नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। विकृतियों को दूर करने से प्रशस्त होगा सामाजिक एकता का मार्ग, गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब समाज बिखरा होता है तो सोमनाथ मंदिर टूटता है। अयोध्या में राम मंदिर अपवित्र होता है, जब समाज एकजुट होता है तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। हम समाज से विकृतियों को दूर कर सामाजिक एकता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, यह हमारा दायित्व है। और महाराणा प्रताप की प्रेरणा भी सीएम ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। सीएम योगी शनिवार की शाम तारामंडल रोड स्थित क्षत्रिय भवन प्रताप सभागार में महाराणा प्रताप के अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जाति संगठनों को जाति विशेष का संगठन के बनने की बजाय सामाजिक संगठन बनकर समाज व देश को एकजुट करने के लिए समाज की कुरूतियों विकृतियों को दूर करने का बीड़ा उठाना होगा। इस कार्य के लिए महाराणा प्रताप आदर्श रूप में हैं, जिन्होंने भील बीना थारू जनजातियों को साथ जोड़कर स्वदेश व स्वधर्म के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश व धर्म के लिए महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह व ऐसे ही अनगिनत नायकों के बलिदान की प्रेरणा से नई पीढ़ी को दीक्षित करने की जरूरत है। राष्ट्र नायकों की प्रेरणा से समाज को एकजुट किया जा सका है। देश व समाज के लिए जाति भेदभाव महापाप, सीएम ने कहा कि देश व समाज के लिए जाति भेदभाव, छुआछूत व अस्पृश्यता महापाप है। ये वे कारण है जिनसे स्वदेश व स्वधर्म पर संकट आए, देश गुलाम हुआ, धर्म स्थल नष्ट हुए। स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा के लिए आज राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के त्याग व बलिदान से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।